बहुत से लोग यूपी पेंशन का स्टेटस चेक कर रहे हैं, यूपी की वृद्धा विधवा या दिव्यांग पेंशन का आवेदन की स्थिति देख रहे हैं, कई लोग फाइनल प्रिंट निकाल रहे हैं, तो उनको लॉगिन करने पर कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है। एरर आ रहा है यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है और किसी का लॉगिन हो भी जा रहा है तो वहाँ से स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं कि बिना ओटीपी से आप कैसे चेक करेंगे, तो बिना ओटीपी पर भी यहाँ पर कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है। अगर आप बिना ओटीपी से भी चेक करना चाहेंगे अपनी पेंशन का स्टेटस तो कुछ इस तरीके का एरर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये आधिकारिक ही प्रॉब्लम है, यानी कि ऑफिशियल ही प्रॉब्लम है, ऑफिशियल वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही है, आप बिना ओटीपी या ओटीपी के माध्यम से स्टेटस अभी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वेबसाइट की ही समस्या है, वेबसाइट की ही प्रॉब्लम चल रही, ऊपर से ही प्रॉब्लम है। अभी पेंशन का स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, उसका स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, ना ही उसका फाइनल प्रिंट निकल रहा है। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और फाइनल प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से प्रिंट आउट भी नहीं निकल पा रहा, जैसे कई सारे लोग परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये ऊपर से ही प्रॉब्लम है, आधिकारिक वेबसाइट से ही प्रॉब्लम है। आपको इंतज़ार करना है, जब तक ये वेबसाइट पूरी तरीके से वर्क नहीं करती है तब तक आपको वेट करना है, और जैसे ही यहाँ पर स्टेटस या फाइनल प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा कि हाँ भाई स्टेटस चेक होना शुरू हो गया, फाइनल प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे ही यहाँ पर स्टेटस चेक होना पेंशन का शुरू होगा आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, तब तक आप इंतज़ार करें।